सो हमने ड्राई बल्ब को जो है कवर कर लिया था एक्सटेंसिवली, बट वेट बल्ब को नहीं किया था, सो उसको हम यहाँ भी कवर भी करेंगे प्रॉपरली। ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो है जो कि बेसिकली आप कह लें कि जो कि नॉर्मल थर्मोमीटर आपको शो करा रहा है, जो कि बेसिकली एम्बियंट टेम्परेचर आप उसे कह लेते हो, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ह्यूमिडिटी रेशियो को कवर कर लिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हमने कवर कर लिया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बेसिकली होता है कि आपके पास जो वाटर है, ठीक है, सॉरी, जो आपके पास एयर में वाटर वेपर्स हैं और आप उनको जो है ट्राई करते हो कि मैंने जो है, अगर आपके पास उनका पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर्स का उस टाइम है वेपर में वो रहे और आपने उनको कंडेंस करना, तो बेसिकली किस टेम्परेचर पर जाके वो सेचूरेट होंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर आप कुछ ऐसे समझो कि लेट से हमारे पास एक ड्राई ड्राई एयर मौजूद है, यानी कि लाजमी होता है कुछ मॉइस्चर कॉन्टेंट भी होगा, लाजमी बात है। अज्यूम कर लेते हैं कि जी उसमें ह्यूमिडिटी रेशियो जो है ना उस टाइम थी वो 40% लेट से, ठीक है। अब होगा क्या कि आप बेसिकली चाह रहे हो कि आपने प्रेशर अब वही रखना है, ओवरऑल जो ड्राई एयर का ओवरऑल है, पार्शियल प्रेशर नहीं, ओवरऑल प्रेशर वो रखना है, यानी कि उसमें वो कंप्लीट प्रेशर आ जाएगा एयर का भी और वाटर वेपर का भी। अब आप चाहते ये हो कि जी हमारे पास प्रेशर गिवन है, ठीक है, और अब लेट से आपने जो है इसको कंडेंस कराना है, और कंडेंस इस तरह से कराना है कि जो ह्यूमिडिटी रेशियो 40% आप उसको 100% पे ले जाएं, यानी कि आप उसमें ग्रेजुअली जो है वाटर ऐड करते जाएं यहाँ तक कि जब वो 100% जब उसकी वो कैपेसिटी एक पॉइंट पे आके जब वो ग्रेजुअली कूल डाउन होते हो तो साथ वो तो वहाँ वो सेचूरेट हो जाए। सो उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर है। वेट बल्ब टेम्परेचर को अगर हमने और तरह से आपने डिफाइन करना हो, ठीक है, आप बेसिकली इसको कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एन एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस। इसमें आपके पास जो मास ऑफ एयर है वो आपके पास सेम रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है, और ग्रेजुअली जो है आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 1 बनेगी, यानी कि इवेंचुअली 40% यानी कि 0.4 से आप इसे चलते 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 लेके जाके आप इसे 1 करोगे और एंथैल्पी चेंज जो है वो ऑलमोस्ट 0 होगा इस केस में। ओके, सो ये बेसिक जो है हमारे पास कह लें कि वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। और वेट बल्ब टेम्परेचर अगर मैं मेयर करना हो तो वो आप मेयर कुछ ऐसे करते हैं, या इसकी आसान एक और डेफिनेशन जो आपको लिटरेचर में मिलेगी वो यह है कि जी आपने एक सिंपल थर्मोमीटर लिया और आपने जो है उसको पेपर, कोई भी कॉटन हो गया या कोई क्लॉथ वगैरह, आपने उसके साथ जो टिप है उसके साथ रैप कर दिया। आप उसको जो है वाटर में सोख करके जब रखते हैं किसी भी रूम में, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद आप देखोगे कि उसमें से कुछ वाटर कॉन्टेंट जो है वो एवेपोरेट होगा, ठीक है, और एवेपोरेट होने से जो ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर रीडिंग आपके पास थर्मोमीटर पे आ रही है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम होगी, जो कि आपको ड्राई बल्ब में या एक्चुअल जो सिंपल क्लॉथ के बगैर आपको मिल रहा था, ठीक है। सो ये बेसिक जो है आपके पास है वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ओके, सो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास सिंपल ड्राई बल्ब टेम्परेचर थर्मोमीटर है, ये अब देखें वेट बल्ब थर्मोमीटर है, ठीक है, हमने क्लॉथ वगैरह कॉटन वगैरह उसके साथ लगा दी। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। कंडेंसेशन जो है वो अकर करती है हमारे पास ड्यू पॉइंट पे, ठीक है, इसको हमने अभी जो है डिस्कस भी किया वहाँ पहले भी, ठीक है। और ठीक है जी, बेसिकली कह लें कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है बेसिकली वो टेम्परेचर है एट विच द मॉइस्चर लीव्स द एयर एंड कंडेंसेस ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जस्ट एज ड्यू फॉर्म्स ऑन ग्रास एंड प्लांट लीव्स। होता क्या है हमारे पास के नॉर्मल एटमोसफेयर में कि आपके पास पानी मौजूद होता है, ठीक है, एयर में, मगर जैसे जैसे आप कह लें कि रात का जो पहर वगैरह आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है, सो लेट इन नाइट क्या होता है कि जब सूरज ग्रूब हो जाता है तो बेसिकली आपकी जो एनवायरनमेंट है वो रिलेटिवली कूलर होना शुरू हो जाती है। जब वो कूल हो रहा है तो वाटर कंटेंट तो उतने का उतना ही है जितना पहले उसमें था, तो होगा क्या कि बेसिकली अब लाजमी होता है टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो अब सारा तो नहीं वो रख सकता वाटर कंटेंट, तो उसको जो वाटर कंटेंट है वो एयर को रिलीज़ करना पड़ता है। तो वो किस फॉर्म में आएगा, आपके पास ड्यू की फॉर्म में, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास जो है ड्यू है, ठीक है, और
ड्यू पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है जिस पे जो है वो बेसिकली वो एयर लीव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसमें फॉग अकर होती है। तो फॉग या धुंध कब अकर हो रही होगी आपके पास, के लेट से जब आपके पास एयर सेचूरेटेड हो। एयर सेचूरेटेड होने से क्या मुराद है कि आप इसको यूँ समझें कि एक ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ना आप कह लें कि आपके पास ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है ना वो बेसिकली सेम है, या फिर दूसरे अल्फाज में एयर सेचूरेटेड है या 100% RH है। तो इसका मतलब है कि इट कैन होल्ड नो मोर मॉइस्चर, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो ये सेचूरेटेड में हो जाता है तो वो मॉइस्चर जो कि एटमोसफेयर में या फिर कह लें कि एनवायरनमेंट के अंदर एडअप हो रहा है, ठीक है, बेसिकली वो जो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर होगा एयर के अंदर उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब वो जो मॉइस्चर अंदर जो पहले मौजूद था वो जब डिस्प्लेस हुआ तो बेसिकली वो एयर को तो लीव कर गया, मगर वो एक फाइन ड्रॉपलेट या फिर कह लूँ एक स्प्रे की फॉर्म में आपके पास वहाँ रुक जाएगा। तो ये बेसिक जो है आपके पास कह लें कि जब ये कंडीशन अकर होती है, ठीक है, इन नेचर, सो दिस इज कॉल्ड फॉग। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, इसको हमने बड़ा एक्सटेंसिवली कवर भी किया, ठीक है, यानी कि बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डाटा गिवन अमाउंट ऑफ एयर इज होल्डिंग डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डाटा गिवन अमाउंट ऑफ एयर कैन होल्ड, ठीक है। तो बेसिकली इनके दरमियान जो रेशियो है डाटा इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद अगर लेट से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होने का क्या मतलब है कि जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो उसकी कैपेसिटी है वो उसने 50% कह लें कि उसकी फिल्ड अप है, और अगर 100% है तो इसका मतलब है कि वो सेचूरेटेड है। ओके, सो अच्छा, उसके बाद ह्यूमिडिटी रेशियो था। ह्यूमिडिटी रेशियो हमने बात की कि बेसिकली डैट कंपेयर द वाटर वेपर टू ड्राई एयर बाय वेट, ठीक है, इसको भी हम एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं। अच्छा, अगर इनमें से हमारे पास दो भी कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी तो हम बाकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर लेट से अब ये जो कंडीशन है ये बेसिकली जो आइडियल कंडीशन होती है, कह लें कि जो हमारे पास जो नॉर्मल एयर कंडीशंस होते हैं ना, एयर कंडीशनर्स होते हैं, वो बेसिकली इन डिज़ाइन कंडीशन के ऊपर वो मॉडल होते हैं, ठीक है, जो आपको वो कहते हैं ना कि जी 110 है, 210 है, बेसिकली 95 फॉरेनहाइट पे होते हैं या 35 डिग्री ये बनता है। अच्छा जी, 95 फॉरेनहाइट है, 78 वेट बल्ब है, यानी कि RH तकरीबन 50 ये होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन हैं ये। सो आपके पास ये दो डाटा नोन है। अब आपने यहाँ से आपने बाकी तमाम चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखो, आपने क्या करना है कि ये इसको हमने एक एग्जांपल में देखा भी है, ठीक है, आप क्या करोगे, स्ट्रेट एक लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है, लाइक दिस, ये आपको नोन था, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो लाइन है ये बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्यों, आपने क्या किया, जहाँ वो 78 फॉरेनहाइट था आपने बेसिकली ये जो लाइन्स हैं आपके पास ये वाली, ठीक है, इनके बिल्कुल पैरेलल आपने जो है कि ये लाइन आपने यूं खींच दी, ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, बेसिकली ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट होना है। अब अगर ये इंटरसेक्ट जहाँ हुआ है, ठीक है, आपने एक लाइन आपने यहाँ से खींच दी तो आपके पास ह्यूमिडिटी रेशो आ जाएगी। उसके बाद ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि बेसिकली यहाँ तो एग्जैक्ट ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे, तो आपको ये इंटरपोलेट करना पड़ेगा, ये अराउंड 47% जो है आपके पास ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इस केस में बननी है ये जो ये कंडीशन है। सो इस तरह से करके आपके पास ये हम बाकी वैल्यूज इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अच्छा, सेचूरेटेड एयर अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ से इस टेबल को देखो तो हम बेसिकली डेवलप करना चाह रहे हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट, यानी कि हमारे पास एक सेचूरेशन लाइन हो जाए। आप डिफरेंट टेम्परेचर्स देख रहे हो कि 25 पे ह्यूमिडिटी रेशियो क्या है, 30 पे क्या है, 35 पे क्या है, हमने तमाम नोट किए हैं, ठीक है। तो इसको जो है, अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, अगर हम इम्पीरियल यूनिट्स की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट जिस तरह हम कहते हैं कि जी पाउंड्स हो जाए या आउंस हो जाए, इसी तरह ग्रेन्स भी एक यूनिट है, ग्रेन्स पर ऑफ मॉइस्चर पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर, यानी कि बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास SI के अंदर ग्राम्स और किलोग्राम्स हैं, ठीक है, थीके? तो ये चीज़। ओके, सो ये हमारे पास डाटा है, और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से ये प्लॉट होगा टेम्परेचर के अगेंस्ट, और अगर आप जो है इसको कम्प्लीट ट्रेंड लाइन बना देते हैं, बेसिकली 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व है आपके पास, ठीक है, सेचुरेशन कर्व है ये। ओके, अब आप जो है अगर हम रिलेशन देखना चाहें इन बिटवीन ड्राई बल्ब, वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट,
इसको कुछ आप ऐसे लेके चलें कि हमारे पास ये सबसे पहले पॉइंट डी था, ठीक है, पॉइंट डी है फ़र्ज़ किया यहाँ करके। अब पॉइंट डी पे जो है टेम्परेचर ड्राई बल्ब जो रीडिंग है वो 90 फ़ारेनहाइट है, वेट बल्ब आपके पास 70 आया, ठीक है, उसके अगेंस्ट जब आप कह लें कि जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास जो ड्यू पॉइंट है वो आ रहा है 60 फ़ारेनहाइट यहाँ करके। ओके अच्छा, अब इस टाइम जो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो थी 37%। आपने कहा कि जी मैं टेम्परेचर डाउन करना है बट कोई भी मॉइस्चर कॉन्टेंट यहाँ से नहीं निकलेगा, तो आपने क्या किया, मॉइस्चर कॉन्टेंट वही रहने दिया, एयर वही रही, ठीक है, आपके पास आप पॉइंट डी से सी पे आ गए, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया 75 पे। अब ये तो 75 पे रिड्यूस हुआ, साथ आपके वेट बल्ब भी चेंज होगा, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज होगी आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू, क्योंकि लाजमी बात है अब टेम्परेचर कम हो गया और जो मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर कम हुआ तो लाजमी बात है 90 की वो ज़्यादा कैपेसिटी होनी थी, वो 37% था, बट 75 के लिए वही कंटेंट जो है वो 60% है। इसी तरह मज़ीद जब हम रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर और ले जाते हैं पॉइंट बी पे विच इज 62 फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अब आपके पास वेट बल्ब भी चेंज हो गया, वेट बल्ब चेंज हुआ है तो आप देख रहे हो कि आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके पास 92% है, ठीक है। तो 92% होने का क्या मतलब है कि बेसिकली आपके पास ये 100% मॉइस्चर इसमें यानी कि इसने अटेन किया हुआ है, ठीक है, यानी कि अराउंड 92% है, तो बहुत कम रूम है आपके पास के वो कूलिंग इफेक्ट और वो कह लें कि आपको नोट हो रहा हो वेट बल्ब पे। इसी तरह जैसे ही ये 60 फ़ारेनहाइट होगा इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि वेट बल्ब भी सेम हो गया, ड्यू पॉइंट भी सेम हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो ये सेचुरेशन पॉइंट है, ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज इसमें सेम है। सो ये बेसिक जो है कह लें कि इनके दरमियान रिलेशन है। अच्छा, उसके बाद जो है कह लें कि मॉइस्चर कॉन्टेंट जो है अगर हम सेंसिबल हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो है आपके पास मॉइस्चर कॉन्टेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 100% सेचुरेशन आपके पास यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली आप सिंपल इसको हीट अप यानी कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। ओके सो मूविंग ऑन, उसके बाद जो है बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स हैं। उसके बाद अगर आप ये देखो तो हमने यही हमने वैल्यूज अभी पीछे भी नोट की, ड्राई बल्ब है आपके पास ह्यूमिडिटी रेशो, आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कुछ यूं चल रहा है ह्यूमिडिटी रेशो, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वेट बल्ब लाइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो बिल्कुल वही केस अज्यूम करें जो कि हमने अभी ड्राई बल्ब और ड्यू पॉइंट वगैरह के लिए देखा। अज्यूम करें कि हमारे पास लेट से फ़र्ज किया हमारे पास ना ये एक पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है, आपके पास ये पॉइंट बी है, कोई भी टेम्परेचर है यहाँ, लेट से मैं कह देता हूँ कि जी यहाँ फिलबर्ग टेम्परेचर है 50 या 53, तो होगा क्या कि लाजमी बात है इसकी इनिशियली कोई ना कोई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट है। आप क्या करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हम इसका जो है इसको सेचुरेशन पे लेके जाएं और इस तरह से लेके जाएं कि इसका जो आपके पास जो ओवरऑल ह्यूमिडिटी रेशो है आप वो चेंज ना करें, ठीक है, यानी कि आप इस तरह से लेके चलते हैं कि आप इसको लेके चलें, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके चलें इसे, ठीक है, और कुछ इस तरह से कि ये जो ह्यूमिडिटी रेशियो है आपके पास, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास कह लें कि अच्छा बल्कि इसको भी छोड़ें, मैं आपको एक और बताता हूँ। आप फर्ज करें हमारे पास यहाँ 50 नहीं था, ठीक है, और मैं यहाँ रेजर एक मिनट रुकिए रेजर से रेज कर दें ये, ओके मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो है पॉइंट ए था और पॉइंट ए पे लेट से टेम्परेचर आप यार यहाँ से देखो तो ये बेसिकली 50 है, ठीक है, 50 पे आपके पास कह लें कि 100% सेचुरेटेड है और यही इसका बेसिकली ड्यू पॉइंट भी है, वेट बल्ब भी है फिल वक्त और ड्राई बल्ब भी है। आप क्या करते हैं कि आप मॉइस्चर कंटेंट वही रखते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी रेशो वही रखते हैं और आप यहाँ से बेसिकली सेंसिबल हीट बेसिकली आप एयर को हीट अप करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट सेम रखते हैं। क्या होगा
टेम्परेचर लेट से आ जाता है 75 फॉरेनहाइट पे, यहाँ करके पॉइंट बी पे। अब आप क्या चाहते हैं, अब लाजमी बात है, देखो आपके पास यहाँ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, अब यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी क्योंकि 75 में तो ज़्यादा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। तो अब आप क्या करते हैं कि अब आप कोशिश करते हैं कि जी मैं इसको कूल डाउन करूँ, और कुछ इस तरह से कूल डाउन करूँ कि ये जो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ग्रेजुअली वन होती जाए, ठीक है, यहाँ तक के तो और यहाँ तक के कुछ इस तरह से हमने इसको अरेंज करने के सेचुरेशन लाइन के ऊपर जो है जाके ये बेसिकली कह लें कंडेंस हो। तो जब आप ग्रेजुअली आप मॉइस्चर कंटेंट देखो ये वाई में है, आप इसको ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, सो इवेंचुअली क्या होगा कि आपके पास इस पॉइंट पर जाके वो सेचुरेशन करेगा। सो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, सो ये वेट बल्ब है। इसी तरह पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो बेसिकली उसको यही शो करें, बेसिकली लाइंस जो हैं ये वेट बल्ब की लाइंस होंगी। ओके जी, उसके बाद जो है वेट बल्ब की लाइंस आ गई, ठीक है, इस टेम्परेचर में ड्राई बल्ब आपने देख लिया, ड्राई बल्ब स्ट्रेट आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं, ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी रेशियो के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वेट बल्ब के लिए एक इंक्लाइंड सी लाइन है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए कर्वेचर है। उसके बाद जो है एक प्रॉपर्टी रह गई है बेसिकली, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली आपके पास क्यूबिक फीट ऑफ मॉइस्चर पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर होता है, ठीक है, तो आपके पास जो है उसके लिए कुछ इस तरह से कर्व होती हैं, जो कि आप ये देख रहे हो यहाँ नहीं है बेसिकली, आपके पास कुछ इस किस्म के आपके पास कर्व नहीं है, सो ये आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो अगर जो है हम अब सेंसिबल हीट ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम सेचुरेशन लाइन से अवे होते जा रहे हैं, और इस केस में क्या होगा, सेंसिबल हीट का क्या मतलब है, आप यूँ समझो कि यार हम मॉइस्चर कॉन्टेंट जो है ना हम वो नहीं चेंज कर रहे, ठीक है, मॉइस्चर कॉन्टेंट वही है, आप हीट ऐड कर रहे हो, क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी तरह ड्राई आप जब कूलिंग करनी है तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सेंसिबल हीट को यानी कि वो हीट जो कि आप सेंस कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जो आपको टेम्परेचर पे नोटिफाई हो रही है, ठीक है, आप वो कम करते जा रहे हो, तो आप सेचुरेशन की तरफ जा रहे हो, कंडेंसेशन की तरफ जा रहे हो। इसी तरह ह्यूमिडिफाइंग है कि आप वाटर कंटेंट उसमें इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिकली जो एडिंग मॉइस्चर है उसकी वजह से आपका वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब आपके पास डीह्यूमिडिफाइंग होगी तो आपके पास जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कम हो रहा होगा, आप मॉइस्चर टेक अवे कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो ये कुछ इस किस्म का एरो बनता है कि आप राइट साइड पर जाओगे तो हीटिंग है, लेफ्ट साइड पर जाओगे तो कूलिंग आप करा सकते हो, नीचे आप डाउनवर्ड मूव करोगे यानी कि वेट बल्ब कम करोगे एट एन इंस्टेंट तो ड्यूमिडिफिकेशन है, टॉप पे लेके जाओगे तो आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन हो रही होगी, और ओके 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 सो अच्छा, उसके बाद जो है बेसिकली अगर हमने कूलिंग और ड्यूमिडिफाइंग करना है तो बेसिकली आप इस रेंज में रहोगे, यानी कि जो आपको एक लाइट ब्लू में आपको एक एरो नज़र आ रहा है, बेसिकली हमने इस रेंज में वर्कआउट करना है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद आई बिलीव इसमें एक थोड़ी सी जो है मैं एक्सप्लेनेशन में देखता हूँ, अगर जो है हम उसको दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि आपके पास ज़रूरी है कि आप नहीं चेंज कर सकते, यानी कि आप एक चीज़ को नहीं टारगेट कर सकते कि जी मैं सिर्फ इसमें से मॉइस्चर कॉन्टेंट वही का वही रहेगा, और आपके पास जो है कह लें कि मॉइस्चर कॉन्टेंट आपके पास जो है वही रहे और आप ड्राई बल्ब चेंज कर दें या ज़्यादा कर दें, ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अगर आप जो है ड्राई बल्ब इंक्रीज करें यानी कि सेंसिबल अगर आप हीट टेक अवे करें या ऐड करें तो वो लेटेंट भी लाजमी बात है चेंज हो रही होगी, यानी कि जो आपके पास मॉइस्चर कॉन्टेंट से रिलेटेड चीज़ें वो भी रियल लाइफ में वो समवट चेंज हो रही होती हैं, तो इस वजह से आपको ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है बेसिकली, तो बेसिकली जो एक तरह से कह लें कि ये बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट वो बनता है, अगर कोऑर्डिनेट में बात करें तो बेसिकली यहाँ दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली थोड़ी बहुत चेंज हो रही होंगी, ठीक है। ओके, अच्छा सो आगे चलते हैं, ठीक है, ये देखो अब साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हॉरिजॉन्टल आप सॉरी जो वर्टिकल लाइन है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है, आपके पास जो यूँ आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, 2000 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी लाइंस, ठीक है, या फिर ह्यूमिडिटी रेशो के लिए। उसके बाद ड्यू पॉइंट, ठीक है, हमने बात की, वो भी बिल्कुल उसी तरह ही एक कोरिस्पॉन्डिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर की होंगी वैल्यूज़। उसके बाद जो है आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, ये आपके पास बेसिकली तिरछी होती हैं। उसके बाद फर्स्ट मंथ देखो आपके पास एंथैल्पी लाइंस हैं,
ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए लाइंस हैं, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट होगा किसी भी पॉइंट पे वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम पॉइंट ओ से ए की बात करें, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास सेंसिबल हीटिंग है। इसी तरह इधर को मूव करेंगे ये सेंसिबल कूलिंग है। उसके बाद आप टॉपवर्ड मूव करेंगे यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ऐड करोगे वो ह्यूमिडिफाइंग कहलाएगा। नीचे को लेके आ रहे होगे आप जो है वेट बल्ब कंटेंट, ठीक है, तो वो बेसिकली ड्यूमिडिफिकेशन है। ओ ई जो है बेसिकली दिस डायरेक्शन दैट इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। ओ एफ जो है दैट इज कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन। इसी तरह ओ जी है विच इज कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, और ओ एच है जो कि हीटिंग एंड ड्यूमिडिफाइंग है। सो ये जो है हमारे पास कहें साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कुछ ये होंगे। ये बेसिकली एक और साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है। बिफोर मूव ऑन टू द एग्जांपल, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस हैं, ठीक है, उसके बाद सेचुरेशन, ये बेसिकली आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% की लाइन है, इसको हमने ड्रॉ करके भी देखा। उसके बाद ये कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लाइंस हैं, ठीक है, जो कि आपके पास ये चल रही हैं, ठीक है, ये कहाँ यूटिलाइज होंगी ये भी हम देखेंगे। उसके बाद आपके पास ये लाइंस हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की हैं। उसके बाद ह्यूमिडिटी रेशियो आपको यहाँ मिलेगी, ये आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर और इसके ऊपर ही आपको वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट मिल रहा होगा, यानी कि बेसिकली ये जो कर्व लाइन है बेसिकली इसके ऊपर। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास कह लें कि वी हैव टू लोकेट अ पॉइंट ऑन 95 किलो जाउल पर किलोग्राम एंथैल्पी लाइन वेयर टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली इसमें हमें कहा यह गया है कि ना आपके पास आपको एंथैल्पी दे दी है और टेम्परेचर दे दिया, और आपको कहा गया कि भाई आप जो है ना तमाम वैल्यूज जो है लोकेट करें कि लेट से इसकी स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, या वेट बल्ब कितना है, ड्यू पॉइंट कितना है, ठीक है। सो ये तमाम पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, ये अगर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले देखें, हमने जब साइक्रोमेट्रिक चार्ट की बात की थी ना तो हमने कहा था कि यार हमें एटलीस्ट दो वैल्यूज़ नोन होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमें, चलो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमें गिवन हो गया, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, दूसरी हमें क्या चीज़ गिवन हो सकती है, जब हमने बैक स्लाइड्स में अगर याद होगा जब हमने एंथैल्पी को कवर किया था, मैं एटलीस्ट आपको स्लाइड पे ही ले जाता हूँ, ठीक है, हमने यहाँ एंथैल्पी को कवर जब किया था, यहाँ आप देख रहे हो कि एंथैल्पी में एक जो चीज़ आई थी वो W थी, और W आपके पास ही ह्यूमिडिटी रेशो। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि यार एंथैल्पी अगर हमारे पास नोन है, हम ह्यूमिडिटी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी रेशो तो उन पांच प्रॉपर्टीज़ में है, ठीक है। अगर आप ये देखो, ड्राई बल्ब हमें नोन है और हमें ह्यूमिडिटी रेशो अगर नोन हो जाए तो हम बाकी तीन निकाल सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ यही पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं और उसको ह्यूमिडिटी रेशो वहाँ से निकालते हैं। सो ह्यूमिडिटी रेशो अगर हमने निकालनी होगी तो रिलेशन हमारे पास है H इज इक्वल टू CPT प्लस W.Hg। अच्छा, अब H जो है वो हमें वैल्यू नोन है, ठीक है, बेसिकली लाजमी बात है इसमें वो पार्शियल वेपर की वैल्यू भी है और एयर की वैल्यू भी है। CP जो है ठीक है, CP जो है कह लेंगे अभी जो है हम वो यहाँ वन ले लेंगे, ठीक है, वाटर के केस में, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अच्छा, उसके बाद जो है सॉरी नॉट वाटर, दिस वुड बी एयर। उसके बाद जो है आपके पास हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू होती है CP की, ठीक है, एयर के लिए AIR, ये बेसिकली 1.005 होती है, ठीक है। सो हमने यहाँ वन ले ली। उसके बाद टेम्परेचर आपको नोन है, ठीक है, W आपने फाइंड आउट करना है। Hg कैसे निकालेंगे, Hg ऐसे निकलेगा कि आपके पास जो है यहाँ देखो टेम्परेचर आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो आपने क्या किया, स्टीम टेबल पे 50 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट देखा, तो आप यहाँ से देखोगे एंथैल्पी आपके पास वेपर की कितनी है, 2592, ठीक हो गया। तो आपने ये 2592 नोट कर लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ देखो 95 जो है आपको स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है, वन हमने बात की CP, 50 आपके पास टेम्परेचर वो भी आपको गिवन है, ठीक है, उसके बाद 2592.2 बेसिकली वो ये वैल्यू है जो कि ये है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ आ गए।
सो ये वैल्यू आपके पास देखो स्पेसिफिक आपके पास बन गई, जो हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशियो है वो बन गया 0.0174 किलोग्राम पर किलोग्राम। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टीम टेबल के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। ये अब आपके पास स्टीम टेबल है। सबसे पहला स्टेप हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारे पास है 50 डिग्री, हमने क्या किया एक 50 की लाइन लगा दी। फिर आपने क्या करना है, आपके पास एक चीज़ तो आपको गिवन है कि आपके पास ह्यूमिडिटी रेशियो गिवन है और 0.0174 है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि वो समवेयर अराउंड हियर यहाँ कहीं लाइक होगा, वरना इसका एक और हल भी है फाइंड आउट करने का। देखो आपके पास जो ये चार्ट आ रहा है ना, ये बेसिकली इनथैल्पी का चार्ट है। आप ये देख रहे हो कि आपके पास यहाँ ये 95 लिखा हुआ है ये, और इसी तरह आपके पास ये देखो ये भी आपके पास लाइन 95 की। तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा इसके लिए आप इस इनथैल्पी लाइन को आपस में मीट करा दो कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये सॉरी ये बेसिकली यहाँ हम कर देते हैं कि जी ये 95 है, ठीक है। ये आपने जब जब मीट कराओगे ना, तो आपके पास ये जो पॉइंट अब आपके पास बना है, दिस पॉइंट बेसिकली ये पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास ह्यूमिडिटी रेशियो या फिर डब्ल्यू की होगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, आप यूं भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट हो सकता है कुछ साइक्रोमेट्रिक चार्ट में आपको एंथैल्पी का ना गिवन हो चार्ट, सो उस केस में फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। अच्छा ये हो गया, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट अवे लाइन ले जाऊँ, ये पॉइंट, ये बेसिकली मेरे पास ड्यू पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है मेरे पास यहाँ ड्यू पॉइंट आ जाएगा, और अगर मैं इसको देखूँ सो डैट इज़ इन बिटवीन 20 एंड 25, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 22.3 या 22.4 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये मेरे पास है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उसके बाद देखो फिर क्या किया मैंने, हमने कि बेसिकली आपके पास ये कर्वेचर है, तो आपने बेसिकली उसके अलोंग आपने यानी कि इसके पैरेलल के मुताबिक आपने एक लाइन लगाई, कि आप इसे इंटरपोलेट करोगे बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। इंटरपोलेट का रिलेशन आपको जो है नोन है, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बेसिकली अगर हम ऊपर नीचे कर दें तब भी इवेंचुअली वैल्यू सेम ही आती है, बट एक्चुअल रिलेशन ये है। अच्छा ये आपके पास जो है रिलेशन मौजूद है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि लेट से देखो आपको y, आप कह दो कि जी y जो है आपके पास, हम कह देते हैं कि हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशियो है, तो ये वाई जो है ये तो आपने निकाला, ठीक है, 0.0174। वाई वन जो है आप ऊपर वैल्यू 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 देख लो, बेसिकली ये जो 630 वाला जिस पे मीटअप कर रहा है इसको, ये 0.24 है। आप कह देते हैं कि जी ये, मैं कह देता हूँ 0.24 है। उसके बाद ये आपके पास नॉट 0.24, ये बेसिकली इससे लोअर वैल्यू होनी है, तो ये लोअर वैल्यू बेसिकली 0.16 होगी, ठीक है। और इसी तरह ये y2 है, ठीक है, तो ये वैल्यू आप देखो आपके पास ये 60 वाली लाइन जो सॉरी 30 वाली लाइन कहाँ जा रही है, मीट कर रही है इसे 0.24 पे 50 पे, तो मैं कह देता हूँ कि जी ये होगी 0.024, और y1 दोबारा 0.016 जो कि आपने यहाँ लिया था, ठीक है। अब ये वैल्यूज नोन है, x1 क्या होगा, बेसिकली यहाँ आप वो वैल्यू रखोगे जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। x1 क्या है, हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स वन क्या है, एक्स वन देखो जो हमने यहाँ लिया था ये 20% था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमने यहाँ से ह्यूमिडिटी रेशियो ली थी। सो ये आपके पास जो है होगा 0.2, और इसी तरह ये जो एक्स टू है ये आपके पास होगा 0.3। सो जब आप ये फाइंड आउट करोगे ना, तो आपके पास एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी थ्रू इंटरपोलेशन, ठीक है, वरना एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने किया, वरना एक्चुअल इसको आपने ऐसे फाइंड आउट करना है जब अगर ये एग्जाम में आता है। ओके हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास जो है एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, बेसिकली हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप क्या कर सकते हो कि एक तो आप इंटरपोलेशन करोगे, ठीक है, बेसिकली बिल्कुल इसी तरह जो हमने ये बात कवर किया बिल्कुल इसी तरह इंटरपोलेशन होगी, या जो है अगर आपने इसको प्रेजेंट करना है ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तो वो बेसिकली ये है कि आपके पास ये जो लाइंस हैं अब बिल्कुल उनके पैरेलल एक लाइन आप खींचोगे, तो बेसिकली ये जो लाइन है ये वो स्पेसिफिक आपके पास जो वॉल्यूम है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो इस तरह जो है हम साइक्रियोमेट्रिक चार्ट पे हम ये
वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन पे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन लॉ है और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग डाटा होगा उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट या फिर कह रहे हैं कि जो लास्ट हम टॉपिक अभी आज क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे, अभी रिमेनिंग जो हमारे पास टाइम है उसमें डाटा स्ट्रेट लाइन लॉ। स्ट्रेट लाइन लॉ क्या कहता है कि बेसिकली इट स्टेट्स दैट व्हेन एयर इज ट्रांसफरिंग हीट एंड मास टू और फ्रॉम अ वेटेड सरफेस, द कंडीशन ऑफ द एयर शोन ऑन द साइक्रोमेटिक चार्ट ड्राइव टूवर्ड द सेचुरेशन लाइन एट द टेम्परेचर ऑफ द वेटेड सरफेस। यहाँ से समझ नहीं आएगी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वहाँ से इसको जो है मज़ीद क्लैरिटी आपको इसमें आएगी। देखो वो कहना क्या चाह रहा है, स्ट्रेट लाइन लॉ क्या कहता है कि अगर आप जो है लेट से कॉटन लेते हैं और कॉटन को जो है आपने वेट कर दिया, ठीक है, अब हमने बात की कि जी वो वहाँ एवेपोरेशन होगी, वाटर लाजमी तो वहाँ से रिलीज़ होगा और जिसकी वजह से जो कॉटन है उसमें कूलिंग इफेक्ट आ रहा होगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली अगर आपके पास जो है एक कॉटन जो है आपने जो क्लॉथ लिया है उसका भी लाजमी बात है एक एरिया, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जब आपके पास एयर उस स्मॉल एरिया से पास ऑन होगी, यानी कि एयर आई उसने कॉटन क्लॉथ का, अगर लेट से मैं बात कर देता हूँ, अगर ये जो डी ए है फ़र्ज़ करें कि ये बेसिकली वो एरिया है जो कि आपने वो कॉटन का क्लॉथ या फिर आपने कॉटन रखी हुई है, ठीक है, वेटेड कॉटन है, तो यहाँ से जब वो पास ऑन होगी तो एयर में चेंज आएगा और एयर जो है अपना टेम्परेचर कम भी करेगी, ठीक है, क्योंकि वो इस टाइम साथ साथ देखें साथ को मास ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, बेसिकली यहाँ से मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल लेके जा रही है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है तो बेसिकली वहाँ क्या करेगा कि जो हमारे पास जो एयर होगी बेसिकली वो आपकी ड्राइव हो रही होगी ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कह लें कि जो सेचुरेशन लाइन है एट द वेटेड सरफेस और आपके पास जो इनिशियल पॉइंट था वो, यानी कि फ़र्ज़ करें इसको यूँ चलें लेके ऐसे चलते हैं कि आपके पास ये पॉइंट वन इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, यहाँ एयर आई, ठीक है, और यहाँ से पास ऑन हुई, ठीक है, आगे और यहाँ आगे चली गई पॉइंट टू पे चली गई। होगा क्या कि लाजमी बात है जब वो लेके गई तो आपके पास जो क्लॉथ है इसका टेम्परेचर हुआ डाउन, वो जो डाउन हुआ बेसिकली जो वेटेड स्टेट का जो टेम्परेचर है डैट इज़ टी डब्ल्यू। आपने क्या किया कि जो भी ड्राई बल्ब पे वो टेम्परेचर था आपने वहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाई और सेचुरेशन लाइन तक आपने एक पॉइंट हासिल कर लिया। इसी तरह आपके पास ये जो इनिशियल पॉइंट वन था इसके लिए भी इनिशियल पॉइंट मौजूद है, ठीक है, और आपने इन दोनों को इस लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो वो ये कह रहा है कि जब जैसे ही एयर यहाँ से पास ऑन होगी ना तो इसकी जो स्टेट होगी वो बेसिकली इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रही होगी। जैसे पॉइंट टू लेट्स से यहाँ मैं फर्स्ट किया कह देता हूँ जी टी डब्ल्यू मेरे पास था 25 और ये मेरे पास था 38 लेट से, ठीक है, सो ये जो टेम्परेचर है ये इसके ऊपर ही लाइक कर रहा होगा, कहीं 34 हो गया 33 होगा लेट से, सो ये बेसिक जो है इसका मीनिंग है। इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ है, ये लॉ आगे हमारे पास स्लिंग साइक्रोमीटर में यूज़ होता है जहाँ से हम वेटेड टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। स्लिंग साइक्रोमीटर क्या कहते हैं, अगर आप देखो इसमें दो किस्म के थर्मामीटर्स हैं, एक में क्लॉथ लगा हुआ है एक जो है सिंपल है, सो ये बेसिकली हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन एंड कूलिंग टेकिंग प्लेस इज कंट्रोल्ड बाय द ड्राइनेस ऑफ द एयर, ठीक है, इफ़ एयर इज सैचुरेटेड द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर्स वुड हैव द सेम टेम्परेचर बिकॉज नो एवेपोरेशन कैन अकर, ठीक है, क्योंकि लाजमी जब आर एच 100% है तो वहाँ उसने कंडेंसेशन आगे उसने होनी है, ठीक है, सो ये बेसिकली स्लिंग साइक्रोमीटर है। स्लिंग साइक्रोमीटर में बेसिकली अगर आपने करना है वो ये है कि आपने जो है कुछ आपने कुछ देर के लिए आप इसे घुमाएंगे, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर आर डिटरमिन्ड अ वैल्यू कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन कैलकुलेटेड बाय ड्राई बल्ब माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर एंड अ साइक्रोमेट्रिक टेबल यूज टू फाइंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रॉम द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है, बेसिकली जो उनका डिफरेंस होता है वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज स्लिंग साइक्रोमीटर जो कि हमारे पास यूज़ होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, सो लास्ट आज के लिए हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर आप इस न्यूमेरिकल में देखो हमें डेटा कौन कौन सा गिवन है, जो एक हमें डेटा गिवन है बेसिकली हमें ड्राई बल्ब गिवन है, ठीक है, उसके बाद हमें वेट बल्ब गिवन है, ठीक है, और हमें
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, बता दीजिए स्लिंग साइक्रोमीटर ने हमें ये चीज़ें दी हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज ड्यू टेम्परेचर पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वेपर डेंसिटी और इनथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। सो इनको हम वन बाय वन इसको फाइंड आउट करेंगे। ज़रा ये पॉइंटर चेंज कर लूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। ओके जी, सो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, सबसे पहले ये जो है आपके पास 740 mmHg, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके जो हमारे एक्चुअल यूनिट्स होते हैं इसके बार में, ठीक है, ताकि हम इसे प्रॉपर लेके चल सकें। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है ये खुरमी से लिया गया है, ठीक है, और आपके जो आर के राजपूत है और ये दोनों बेसिकली सिमिलर ही हैं, ठीक है, सो ये बेसिकली वहाँ से मैंने न्यूमेरिकल इसको लिया। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आप इसकी तमाम डिस्कशन को छोड़ें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 740 mm ऑफ Hg है जो मरकरी है उसको कन्वर्ट करेंगे बार में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम 740 को 133.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 mm ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास जो भी वैल्यू आई 98642, ठीक है, और इसको आपने डिवाइड कर देना 10^5 से, क्योंकि 1 bar इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो है यहाँ से 0.98642 bar आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास बैरोमेट्रिक प्रेशर है या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो चीज़ है। अच्छा, अब ये तो हो गई एक चीज़, अब आपको जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है वेपर का पार्शियल प्रेशर, हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर है 20 डिग्री, ठीक है, सो हम यहाँ से पहले 20 डिग्री के ऊपर वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। सो अगर हम दोबारा स्लाइड्स को मूव करें और हम यहाँ देखने की कोशिश करें जो हमारे पास यहाँ हमने यूटिलाइज़ किए हैं, ठीक है, बैक में स्टीम टेबल मौजूद है उसमें देख लेते हैं, अगर 20 हमारे पास नोन है तो हम वहाँ से नोट कर लेंगे। सो ये हमारे पास है और आई गेस इसमें 20 है, और आप यहाँ से देखो तो आपके पास ये सेचुरेशन प्रेशर आ रहा है 2.337, ठीक है जी। सो अब हम मूव ऑन करेंगे आगे। ओके, सो हम यहाँ आ गए, ठीक है। सो आपने अभी देखा, अभी हमने ये वैल्यू देखी थी कि हमारे पास जो पीवी था ये वैल्यू हमने नोट की कि डैट वॉज 2.337 bar, ठीक हो गया, ये हमने वहाँ से वैल्यू नोट कर ली है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे आना है और हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है चूँकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए बेसिकली एक ये रिलेशन है, ठीक है, जो कि यूटिलाइज होगा, ठीक है, और सिंपल आ गया, सिंपल इसको जो है याद करना। ओके, सो ये रिलेशन हम यूटिलाइज़ करेंगे और हमारे पास हमने बेसिकली पार्शियल प्रेशर अगर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे वेपर का, सो हम इसको यूज़ करते हुए हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कह लें कि कंप्लीट कितना है हमारे पास जो बेसिकली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। देखें, अच्छा, अब इसकी टर्मिनोलॉजी बेसिकली ये कह लें कॉन्सेप्ट बैक एंड पे क्या है कि आपके पास जो कंप्लीट प्रेशर होता है वो बेसिकली फीचर कर रहा है आपके पास वाटर का पार्शियल प्रेशर भी और आपके पास जो एयर होती है उसका प्रेशर भी, ठीक है। सो बेसिकली यूं कंप्लीट प्रेशर बनता है। तो जो भी हमने प्रेशर जो नोट किया था वेट बल्ब वाला, ठीक है, दिस वन पी डब्ल्यू, वो बेसिकली आप यूँ समझ लें कि वो आपके पास ओवरऑल जो है बेसिकली टेम्परेचर था, प्रेशर था, ठीक है। सो बेसिकली इस प्रेशर में आपके पास वो वाटर वेपर का या में से डब्ल्यू की जगह इसको हमें वी लिखना चाहिए कि वेपर है, सो इसको भी हम मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, इसको
मॉडिफाई करके अब यहाँ दोबारा लिख देते हैं के एंड पेन। ओके सो इसको वेपर लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया कंप्लीट जो हमने लेट से वेट बल्ब के लिए हमने फाइंड आउट किया। अच्छा तो अब इशू हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने वेट बल्ब टेम्परेचर तो 20 गिवन था, ये भी नोट कर लिया, ठीक है। वेपर हमारे पास नहीं है, ठीक है। मगर अगर हमने जो है ये एयर का फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए बेसिकली ये इस किस्म का एक ये रिलेशन मौजूद है जिसको हम अब यूटिलाइज़ करेंगे। ओके अब हमारे पास पी डब्ल्यू जो है बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब का जो प्रेशर है वो हमने नोट कर लिया था स्टीम टेबल से। वो जो वैल्यू हमने नोट की थी वो थी बेसिकली 2.337 किलो पास्कल, ठीक है। वो बार नहीं था, बार में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.02332337 बार बनेगा। ओके ये वैल्यू आई। पी बी आपके पास जो है बैरोमीटर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, जो कि जिसको 740 mm था उसको हमने कन्वर्ट किया 0.98642 बार। उसके बाद पी डब्ल्यू, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, हमने फाइंड आउट किया। टी डी ये आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है जो कि हमें गिवन है कि ये 30 है। वेट बल्ब टेम्परेचर भी हमें गिवन है कि वो हमारे पास 20 है। उसके बाद 1.5 1544 कॉन्स्टेंट है, 1.44 कॉन्स्टेंट है। टी डब्ल्यू बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर है जो कि ये 20 गिवन है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास ये वैल्यू बनेगी 0.01701 बार, अच्छा, या फिर जो है 1.701 बार। तो अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली अगर हम इसे स्टीम टेबल पे देखें तो ये बेसिकली टेम्परेचर बनता है 15 डिग्री सेल्सियस। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो हमारे पास ड्राई बल्ब सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा हम अपनी जो है स्लाइड्स पे बैक पे हम चलते हैं और इसको वेरीफाई करके आते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, बट आप यहाँ देखो जो टेम्परेचर 14 और 15 के दरमियान है 1.59 से बड़ा है और 1.81 से कम है, ठीक है। सो अगर हम दोबारा न्यूमेरिकल में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी डेट वॉज अराउंड 1.7 समथिंग, ठीक है। सो इसका मतलब है कि वो बेसिकली इनके दरमियान में लाई करेगा और इट इज़ सेफ टू से कि वो हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस होगा। अच्छा उसके बाद अब हमने फाइंड आउट करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास जो रिलेशन है, ठीक है, उसमें बेसिकली हम बात करते हैं कि आपके पास एयर के अंदर कितना जो है वेपर उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, और कितना जो है उसका सेचुरेशन या कह लें कि उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो कितनी है। अच्छा अब बेसिकली जो है हमारे पास वेपर का तो हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास करंट वेपर है उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास ये 0.01701 बार है, यानी कि बेसिकली हमने ये जो पी वी है ये हमने फाइंड आउट किया हुआ, ठीक है, ये रिलेशन हम कवर कर गए हैं। जो इशू जो मेन चीज़ मिसिंग है वो हमारे पास है पी एस, ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो सेचुरेटेड प्रेशर है, देखो अब हमने ये भी तो देखना है ना कि फ़र्ज़ करें या फिर इसको यूँ लेके चलें, हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते थे कि कितना हमने एब्जॉर्ब किया और कितनी गिवन टेम्परेचर पे कैपेसिटी है। तो इस वजह से कैपेसिटी देखने के लिए हमें 30 डिग्री पे इसका पार्शियल प्रेशर देखना पड़ेगा। सो आई हैवली डाउट कि जो स्टीम टेबल था उसमें 30 की वैल्यू थी, बट स्टिल हम उसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अगर हमारे पास आ जाता है तो उससे वहाँ से चेक कर लेंगे एक बार। तो ये अगर देखो तो हमारे पास ये 30 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू अगर आप नोट करो तो डाट इज़ 4.241 के पी है, या फिर 0.04241 बार, ठीक हो गया। सो इस वैल्यू को हम यूटिलाइज़ करेंगे और यहाँ से शॉर्टकट से ही हम यार कोशिश करेंगे कि उधर चले जाएं, शॉर्टकट कामयाब नहीं हुआ इसलिए हमें सिंपल मूव करना पड़ेगा वहाँ तक के लिए। ओके जी सो हम यहाँ आ गए हैं दोबारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0.4241 बेसिकली उसको राउंड ऑफ किया, तो यहाँ से करके हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास RH की वैल्यू आ जाएगी और ये फार्मूला हम पहले कवर भी करके आए हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर इसको जो हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमिडिटी रेशो, ठीक है,
ये बेसिकली एक ही चीज़ के दो नाम है। अच्छा, अब देखो इसके लिए भी वही रिलेशन है। अगर आप इस रिलेशन को देखो तो हमारे पास जो पी वी है, ठीक है, वो हमारे पास हमने फाइंड आउट किया पार्ट वन में। पी बी जो है, या फिर जो एटमॉस्फेरिक या बैरोमेट्रिक प्रेशर है, वो हमने फाइंड आउट किया। तो हम यहाँ से बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं 0.010914, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि आपको दो वैल्यूज़ अगर पता लग गई हों तो आपको ये कहा जाए, एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि साइक्रोमीटर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट मौजूद है, इसके थ्रू आप फाइंड आउट करें। अगर आपके पास वैल्यू नहीं होगी तो आपको कुछ वैल्यू शायद इंटरपोलेट करके निकालनी पड़े और ग्राफ के ऊपर लेबल करना पड़े, तो कुछ ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए एक जो रिलेशन है, ठीक है, बेसिकली वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है, डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू एस, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली डब्ल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यहाँ यहाँ बेसिकली हमने ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड आउट कर ली। अब हमने ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड आउट करनी है सेचुरेटेड एयर की, यानी कि उस पॉइंट पे जब हमारे पास टेम्परेचर एयर का 30 डिग्री हो, ठीक है। अब क्योंकि ये तो हमारे पास करंट कंडीशन है ना, तो 30 डिग्री पे देखना जब सेचुरेशन होगी तब क्या होगा, या फिर कह लो कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है ह्यूमिडिटी रेशियो की जो कि 30 डिग्री पे हो सकती है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए देखो 0.622 PS, यानी कि हमारे पास सेचुरेटेड प्रेशर 30 डिग्री का, ये आपको याद होगा। अभी हमने टेबल के ऊपर ये वैल्यू हम देख के आए थे, पी बी एटमोसफेयरिक प्रेशर, उसके बाद दोबारा यही वैल्यू, तो आपके पास 0.027945 आ गया किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। सिंपल एक दूसरे को डिवाइड करोगे, आपके पास 39.1% आ जाएगा। या इसका दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है, ये मेथड जो हमने यूज़ किया बेसिकली एक ही चीज़ ही है, कुछ खास फर्क नहीं है दोनों चीज़ों में। सो, आप जिसको भी यूज़ कर लो, एक ही चीज़ आएगी। ओके, उसके बाद है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के लिए जो रिलेशन है, शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये रिलेशन होता है पी वी इज इक्वल टू MRT। तो आपके पास जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो बेसिकली वेलोसिटी उधर चली गई तो आपके पास पी इज इक्वल टू ρRT बच गया। अब रो, अगर आपने ये डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो पी आपके पास जो है वो क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ये हम कह लेंगे बेसिकली, अब हम ये एयर के लिए फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो वेपर बेसिकली, क्योंकि वेपर तो नहीं है इन अ सेंस, क्योंकि बेसिकली वो एयर क्वालिटी को हम बेसिकली उसकी क्वालिटी उसको फाइंड आउट करना है, या एयर कंटेंट को लेट्स से अगर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप बेसिकली यहाँ से पहले प्रेशर होगा। सो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए एयर का आप क्या करोगे कि जो ओवरऑल आपके पास प्रेशर है उसमें से प्रेशर ऑफ द वेपर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे और साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सॉरी, अगर तो एयर के लिए फाइंड आउट करना है फिर तो यूँ चलेगा, अगर आपने जो है साथ यहाँ डॉट डब्ल्यू कर दिया, ह्यूमिडिटी रेशियो साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली आप जो वाटर वेपर्स इन बिटवीन सस्पेंडेड है, ठीक है, बेसिकली उनके लिए हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो चूँकि हमने ये भी बात की थी कि वी विल ट्रीट द वाटर वेपर्स एज एन आइडियल गैस, ठीक है। सो बेसिकली इस वजह से यहाँ ये आ रहा है। सो माई बैड, बेसिकली ठीक है, बेसिकली ये सही ही चल रहा है। ओके, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ आर ए आ जाएगा, बेसिकली एयर का स्पेसिफिक हीट जो है जनरल गैस कॉन्स्टेंट। उसके बाद टी डी, यानी कि जो ड्राइवर टेम्परेचर आपके पास कह लें कि इसका एयर ड्राइबल्ब टेम्परेचर जो आपके पास सिंपल होना है, इन तमाम वैल्यूज़ को यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.01216 kg/m³ ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। सो बेसिकली सारा जो कह लें कि ये जो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है, अगर ही हम डब्ल्यू ना यूज़ करते, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वो वेपर का ना आता बल्कि हमारे पास एयर का कंटेंट आ जाता है, कि एयर जो है पर मीटर क्यूब ऑफ एयर में आपके पास जो है कितना बेसिकली यहाँ ड्राई एयर आ रहा है, ठीक है, यानी कि बेसिकली कुछ इस किस्म से हमारे पास रिलेशन आ रहा है। सो इस तरह जो है ये बेसिकली आपके पास वेपर डेंसिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है आपके पास है, हमने इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। सो इंथैल्पी के लिए भी हमने रिलेशन ये कवर किया था, ठीक है, बेसिकली वही रिलेशन है। ये रिलेशन बेसिकली है एच इज इक्वल टू सी पी टी प्लस डब्ल्यू इंटू
एच एफ जी प्लस यहाँ 2.3 इंटू टी पी किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली वहाँ हमारे पास सी पी डब्ल्यू था आई गेस, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ यानी कि ये था, और फिर उसके बाद आपके पास ये टेम्परेचर था, ठीक है। सो सी पी डब्ल्यू की वैल्यू जो है हमारे पास कह लें कि वो वाटर वेपर की बेसिकली वो 2.3 है, जो कि आपके पास यहाँ आ गई, ठीक है। ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर है वो आपके पास कह लें 30 डिग्री गिवन है। एच एफ जी आपका इस किस पे फाइंड आउट करेंगे, एच एफ जी आप फाइंड आउट करेंगे इस 15 डिग्री पे, ठीक है। ये स्टीम टेबल से आएगी। ह्यूमिडिटी रेशो आपको गिवन है, ठीक है, हमने यहाँ भी यूटिलाइज़ की। उसके बाद आपके पास टी डी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो डी पी है बेसिकली ये वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है जो कि 15 डिग्री था, और ये टी डी जो है बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, जो कि 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सी पी है, सी पी जो है वो बेसिकली 30 डिग्री पे बेसिकली 1.022 है, वरना नॉर्मली जो हम लेते हैं सी पी की वैल्यू एयर के लिए डैट इज़ 1.005, सो हम वो वैल्यू लेके चलते हैं। सो इस ऐसा चीशू नहीं है, अगर लेट से आपके नहीं भी गिवन होती तो आप ये 1.005 या फिर इनफैक्ट 1 भी लेके आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये सही आएगा। सो इसको जब आप सॉल्व करते हो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 57.95 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सो ये बेसिकली इंथैल्पी या फिर हीट कॉन्टेंट है। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम मज़ीद ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन और सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग और इस तरह की चीज़ें, हम उनको एलाइड जो चीज़ें उनको कवर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ कवर हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है फील फ्री टू आस्क, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर दोज एज वेल। आई होप कि जो है बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और आप लोगों को समझ भी आ गया। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।